इस वीडियो में हम अपने बचपन के सबसे पसंदीदा कार्टून में से एक वीवी बियर्स, शुरू से अंत तक चार्ली के अतीत, ग्रिजली बेयर, पांडा बेयर और आइस बेयर तीनों की मुलाकात कैसे हुई, उनमें से प्रत्येक के अलग अलग सपने, दुनिया को देखने का नजरिया और व्यक्तित्व जानेंगे और मानव दुनिया में बात करने वाले जानवर के रूप में कैसे रहते हैं, इस सब के बारे में जानेंगे। कहानी भारी बारिश के साथ एक अंधेरी अज्ञात जगह से शुरू होती है, जहां एक छोटा भालू एक पेड़ पर फंस गया था। फिर एक फायर फाइटर उसे बचाने को आए। वो भालू फायर फाइटर का हाथ पकड़कर बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा था। कुछ एपिसोड बाद वो छोटा भालू बड़ा हो गया और उसे एक मानव परिवार मिला। ग्रिजली बेयर वास्तव में परिवार का सदस्य नहीं था, बल्कि बिना जाने समझे एक कॉमेडी शो में एक अभिनेता था। एक बार शो में एक नए बच्चे को लाया गया और उसने ग्रिजली की जगह ले ली। फिर ग्रिजली बेयर ने फैसला किया कि उसे वहां से निकलना होगा और एक वास्तविक परिवार की तलाश करनी होगी। वही एक दूसरे हिस्से में एक चिड़ियाघर में एक छोटा पांडा भालू था। उसके साथ एक्सपेरिमेंट के चूहे की तरह व्यवहार किया जाता था, क्योंकि वो बात कर सकता था। लेकिन उसे ये सब मालूम नहीं था कि कोई उसे कैद करके रखा है। गुंडों ने देखा कि पांडा भालू उदास और अकेला है, इसीलिए उन्होंने उसे एक पांडा भालू की कठपुतली दी, जिसके साथ वो एक दोस्त की तरह व्यवहार कर सकता था। एक दिन पांडा बेयर ने शीशे के माध्यम से देखा कि बाहर एक अलग ही दुनिया है, उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग। पांडा भालू ने वेंट के माध्यम से भागने का फैसला किया और गार्ड उसे पकड़ भी नहीं सके। हालांकि उसे कठपुतली को अलविदा कहना पड़ा और एक वास्तविक परिवार की तलाश में वो भी निकल पड़ा। आइस बेयर। आइस बेयर की कहानी सबसे हार्ट टचिंग थी। नॉर्थ पोल पर हम एक छोटे भालू का दृश्य देखते हैं, जो ऐसा लगता है कि मानो वो अपने परिवार से बिछड़ गया हो। छोटा भालू भोजन ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तभी उसकी नजर में एक तंबू पड़ी। वो अंदर गया और इससे पहले कि उसे पता चलता, एक आदमी ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो खुद घायल हो गया और आइस बेयर ने उसकी मदद की। आदमी ने भालू को पालने का फैसला किया और उसे इंसानों के बारे में सब कुछ सिखाया। आइस बेयर को उस आदमी की जीप से बॉक्स को छूने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उसने वो बक्सा खोला जब वो यूरी घर पर नहीं था। जी हाँ, इस बंदे का नाम यूरी है। आइस बेयर ने यूरी के परिवार की एक तस्वीर देखी। शायद यूरी अपने परिवार को मिस कर रहा था, इसीलिए उसने उसके लिए तस्वीर में दिखाए अनुसार एक लड़की का घोड़ा बनाने का फैसला किया। लेकिन यूरी ने आकर उसे देख लिया और गुस्से पे आइस बेयर को घर से निकाल दिया। और अचानक उसका पैर एक जाल में फंस गया और कुछ शिकारी उसके तरफ आ रहा था। उसी समय यूरी आ जाता है और उसे उस जाल से बचाता है और बर्फ तोड़कर आइस बेयर को वहां से भगा देता है। वो दोनों उदास लग रहे थे, जैसे कि उन्होंने फिर से अपने परिवार को खो दिया। आइस बेयर एक ऐसे शहर में पहुंच गया था जहां इंसान रहते थे। पहले तो उसे पता ही नहीं था कि उसे इंसानों के साथ व्यवहार कैसा करना है, इसीलिए उसने एक बेकरी से खाना लाने की कोशिश की, लेकिन उसे बाहर निकाल दिया गया। आइस बेयर रोते रोते कुछ शरारती बच्चे से मिले और वो उनका दोस्त बन गया। फिर उन्होंने बेकरी से बदला लेने की कोशिश की। बेकरी में घुसकर सब तोड़फोड़ कर वहां की सारी पैसे ले ली। वेल, ऐसे करते समय उसे यूरी की याद आई और वो रुक गया, क्योंकि वो एक अच्छा भालू है। उसी वक्त पुलिस आ गई। जैसे जैसे वो लोग वहां से भाग गए, आइस बेयर ने अपने बेहतर जीवन के लिए उन बच्चों को छोड़ने का फैसला किया। अब बात करते सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से के बारे में, ये तीनों कैसे मिले। एक दूर देश में तलाश करते करते ग्रिजली रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाता है, जहां उसे पांडा फंसा हुआ दिखता है। वो जाकर पांडा को वहां से निकाल लेता है। पूरे समय वो सोचता रहा कि आखिरकार उसे उसके जैसे दिखने वाला एक दोस्त मिल गया। अचानक ट्रेन आ गई और वहीं पर एंट्री होती है आइस बेयर की। तीनों जैसे जैसे वहां से निकलते हैं, तीनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी और उन्होंने भाई बनने का फैसला किया और इस तरह वो तीनों मिले। वेल, अगले पार्ट में हम बात करेंगे चार्ली, क्लोरी, नॉम नॉम इन सब के बारे में, साथ ही वेयर्स का घर और सीरीज का अंत कैसे हुआ ये भी जानेंगे। तो इसीलिए ब्रीफ एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें।